আদিত্য এলভানৰ সুইট পেলোডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সুইট পেলোডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোই। প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী জন্মেজয় সরকার পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে সুইট প্ৰস্তুতত। পুনৰবাৰ এইখিনিতে কৈছো যে আদিত্য এলভানে যিহেতু ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ সফল হোৱা সম্পন্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে একেবাৰ টিউ ৰঙৰ এই ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুল ডিস্কত এই ফটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই ফটোসমূহ ইছৰোই আপলোড কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন ফটোতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী জন্মেজয় সরকার পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈছে সুইট প্ৰস্তুতত। জন্মেজয় সরকার আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। জি জন্মেজয়, পেলে তো বহুত বহুত কংগ্রেচুলেশন আপকো, আর হামে ভি একচুয়ালি ইসমে কংগ্রেচুলেট করনা চাহিয়ে, আপনে আপকো ভি, ইয়ে বহুত বড়ি এক সফলতা হ্যায়। আর দূসরি বাত ইয়ে হ্যায় কি জো লোগো কে বারে মে হাম বাত কর রহে হ্যায়, তেজপুর কি তেজপুর ইউনিভার্সিটি কি জো লোগো কে বারে মে বাত কর রহে হ্যায়, ইসকে বারে মে থোড়া সা আপসে জানকারি চাহেঙ্গে। জন্মেজয়, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়ে आदित्य एलवन से जो इमेजेस आया है हमारा सूट पेरोड का, दैट इज नॉट ओनली आवर ओन सक्सेस बट इट इज द सक्सेस फॉर एंटायर इंडिया। ये पूरा इंडिया के लिए ही एक सक्सेस है एंड हम लोग आगे भी चाहते हैं कि और बेटर इमेजेस ले सन का, सन को कंटिन्यूअसली स्टडी करे, क्योंकि ये टेलीस्कोप से अभी ऐसा कुछ इमेजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो वर्ल्ड में पहले और कोई कभी भी नहीं देखा है। सन का ऐसा कुछ दृश्य हमें देखने को मिल रहा है एंड हम चाहते हैं कि ऐसे ये टेलीस्कोप से आगे भी स्टडीज हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करे और आगे करते रहे हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया के स्टूडेंट्स। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर आए हुए है बहुत सारे कलर्स की तस्वीर है और ये फुल डिस्क में है, तो इससे मतलब जितने भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इनको स्टडी करने में बहुत ज्यादा इसमें बहुत मतलब ऑप्शंस है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसरो ने जो पब्लिश किया है उसमें आपको 11 फोटोज दिखेंगे जिसमें से एक फोटो लेबल्ड है। तो उसमें बेसिकली 11 फोटोज डिपिक्ट करता है सन का 11 लेयर्स सन का एटमॉस्फेयर का। तो इससे हम सन का एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स को अलग से स्टडी कर सकते हैं ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि सन के अंदर से जो निकल रहा है वो सन का एटमॉस्फेयर में कैसे ट्रैवल कर रहा है। जी जन्मेजय, और एक बात, जो भी यहाँ पे तस्वीर हमें दिखाई गई, आपने कहा 11 कलर्स के जो तस्वीरें हैं, तो सन को स्टडी करने में आसान तो होगी, उसके साथ साथ सन में प्लेग, डाग, इन सब के बारे में जानने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि हमें भी इसके बारे में बहुत कुछ, मतलब सन को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे मतलब सन के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर एक को होती है, तो वो सब कुछ हम जान पाएंगे इस बार। जी जी, जरूर जरूर, बिकॉज सूरज ऐसा एक चीज है जो हमारा लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम का मेन पावर सोर्स है हमारा सन, हमारा फार्मिंग, हमारा वेदर, क्लाइमेट, अर्थ का एटमॉस्फेयर, इवन हमारा इकोनॉमी, एवरीथिंग सन से ही गाइडेड होता है। तो डेफिनेटली इट इज अ प्रायोरिटी टू स्टडी द सन, और अभी हम लोग भी बहुत आगे आ चुके हैं इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड सोलर एस्ट्रोनॉमी। तो हम और एक बात भी बोल सकते हैं कि चंद्रयान 3 के बाद, 3 के बाद ये आदित्य एलवान की जो सक्सेस है इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जन्मेजय, जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली अभी आदित्य एलवान अभी भी अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है लैग्रेंज 1 पॉइंट, ये सन और अर्थ के बीच में एक लोकेशन है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ से, यहाँ तक अभी भी पहुंचा नहीं है और अभी भी वो जा रहा है। 27 दिन की बात है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो अभी भी वहाँ पे पहुंचा नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आदित्य एलवन का मिशन अभी भी शुरू हुआ नहीं है। अभी जो हो रहा है दिस इज अ टेस्टिंग फेज, और ये टेस्टिंग फेज में ही हमें इतना सक्सेसफुल डेटा मिल रहा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑपरेट करना बाकी है जिसका डेटा अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, काम चल रहा है उसका। जब वो सब मिल जाए तब हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि जी हाँ, आदित्य एलवन इज डेफिनेटली अ सक्सेस। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड
कि आदित्य L1 अभी भी मिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और अभी से ही हम लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, इतना अच्छा डेटा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको भी बहुत बहुत मैं फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आसिल जन्म जय सरकार गवेषक छात्र और आम देखाई फटो जो 11 फटो आज 11 छवि विभिन्न रंग छवि और जन्म जय सरकार जार कथा इतिम्य कैसोगी गवेषक छात्र इतिम्य L1 सूट पेलोडे जी फटो प्रेरण करते इसरो जी एक्स जुगे इसरोर पोस्टो देखने पा गई है और ये प्रति फटोते तेजपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लगो आसे और आम सहित आज गवेषक छात्रगढ़ अर्थात जन्मेजय सरकार।